नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। ये ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ जलालपुर में, जहां ढोलक बस्ती है, वहां पर गंदगी का साम्राज्य है। क्रांतिकारी खबरों के साथ मैं महफूज नगर के उस इलाके में हूं, जलालपुर का इलाका है, जहां जल भराव समस्या बनी हुई है, उत्पन्न बनी हुई है और नालियां उफान ले रही है। नालियों में कीचड़ लबालब दिखती नजर आ रही है, जबकि शहर को स्वच्छ है घोषित कर दिया गया है। करोड़ों रुपए शहर के विकास के लिए आया, लेकिन सरकार द्वारा इस क्षेत्र की अपेक्षा की जा रही है वही, और कोई भी काम दिखता नजर नहीं आ रहा। धरातल पर इसकी किस तरीके से जल भराव है, निकलना दूर हो जाता है। जिस समय यहाँ बरसात समय आता है, पानी इतना लबालब हो जाता है कि लोग घर से नहीं निकलते हैं। क्षेत्र के लोगों की समस्या बनी हुई है, नालियों की सफाई नहीं होती है। चाहे चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहा है, उसका आगाज हो गया है। लोग प्रत्याशी मैदान जंग में कूद पड़े हैं। अब ये तो वक्त बताएगा किसके से ताज बनेगा ये जलालपुर का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विनीत यादव यहाँ जो है जल समस्याओं के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। विनीत यादव है मौजूद है जो यहाँ की समस्या को उठाते रहते हैं। क्या नाम है आपका यहाँ पर? जाकिर हुसैन। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हो गया 15-16 साल। 16 साल कब से सफाई नहीं हुई यहाँ पर? बहुत दिन से नहीं हो रही है। कब सफाई नहीं हो रही? कोई शिकायत नहीं की तुमने? आप कब से रह रहे हैं? मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए क्षेत्र में घूमते घूमते, और जब से देख रहा हूँ मैं तब से ऐसा कि ऐसा पानी भरा हुआ है। अभी तो बहुत कम है, बाकी ये है कि जब बरसात का समय था तो यहाँ के लोग इतना त्राई त्राई मचाए हुए थे, इतना परेशान थे, इतना दुखी थे कि यहाँ से अपने आप को, परिवार को, घर को खाली करके दूसरी जगह तक पहुँचने को तैयार थे और गए थे यहाँ से लोग। मेरा नाम अंचल में जीता हुआ प्रधान भी हूँ, अपने गाँव का जीता हुआ प्रधान हूँ। मेरी कोई समस्या सुनी नहीं जा रही है, और मैंने फुरकान भैया से भी कहा है, और ये सड़क के रोड के लिए सुनवाई नहीं हो रही। बहुत हम लोग परेशान है, ये ढोलक वाली बस्ती जलालपुर पुलिस चौकी कुछ हम लोग नहीं आते बिल्कुल। श्री दादा जी ने सफाई कराई है पूरे क्षेत्र की। यहाँ से हो गए 20-25 साल। 25 साल? कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल की। 25 साल हो गए तुम्हें रहते हो? 3 साल पहले आए या बाद में आए? अच्छा, क्या और सब बढ़िया है? तो ये कीचड़ ईचड़ बन रही है, इसके लिए कुछ लड़ो यार, नए लड़के हो तुम यार। क्या करे भैया, कुछ सुनते नहीं आगे। कब से सफाई नहीं हुई है यहाँ से? कम से कम कोई आते ही नहीं कुछ भाई। क्या नाम है? सैयद आलम सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सब ठीक है? जी जी बढ़िया है जी। और क्या है ये, किस चीज क्यों हो रही है? ये कम से कम हो गया, काफी टाइम हो गया इसमें, यहाँ पे कीचड़ है यहाँ पे। अब जितना पानी बरसात होती है, किसको वोट करेंगे इस बार? वोट हम यही को देंगे, हम जो जिसको देते हैं सर को देते हैं हम वोट। आप किसको दे रहे हैं वोट? इसी को देंगे फिर। अच्छा, किनको देंगे? नाम क्या है? नाम नहीं आता, नहीं आता, नाम नहीं आता। आपका क्या नाम है? मेरा सुनाम नाम। और कैसे है? अरे भैया बहुत परेशानी हो रही है। क्या हो गया? अरे ये पानी कचरा मच्छर नोचे खाया जाता है, परेशानी होती है। कहाँ खाए हैं वो? बहुत जो मच्छर नोच रहे हैं इधर, सब अंदर लगे पड़े हैं, सब अंदर लगे पड़े हैं मच्छर। अब यहाँ सफाई हो जाना चाहिए सर। हम लोग लायक अली। कहाँ रहते हो? यही जलालपुर में। जलालपुर की? अब यहाँ बहुत है कोई सफाई। क्या नाम है आपका? सर ऐसा है, मेरा नाम मुनव्वर है। और यहाँ यहाँ पे जो है तो कम से कम ना है 25-30 साल यहाँ पर रहते रहते हो गया, मगर यहाँ में कोई साफ सफाई वाला आता रही है। अब चुनाव आ गया है नजदीक। हाँ। चुनाव में लोग निकल कर आ रहे हैं। हाँ। बिलों से बाहर आ गए हैं, सब कह रहे हैं कि हम नेता बनेंगे। पार्षद का चुनाव आ गया, किसको चुनाव उनाव में इस बार बना रहे जा रहे हैं? किसको नेता बनाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हमारे मोहल्ले में अतीब यादव है, तो इंशाल्लाह इसी को जो है हम बनाएंगे, और हमारे जो है ढोलक वाले का देखभाल करें, और ये नाली नाली खरंजा जब तक साफ सफाई। हमारे लोगों के, मेरा शौकत अली नाम है। शौकत अली साहब कैसे हैं? अच्छा, सब ठीक है, अल्लाह करम है, सब ठीक है और सब बढ़िया चल रहा है। इस बार चुनाव में किसको जिता रहे हैं? बस ठीक भैया, जिस तालिब लोग जुनी यादव, जुनी यादव